संत तुकाराम जी के बारे में ऐसी कथा है कि संत तुकाराम जी महाराज नदी स्नान करके बाहर निकलते, जिस गली में उनका घर था वो घर जाते। उनके घर के पहले एक घर और पड़ता था किसी का, जो संत तुकाराम जी से बहुत जलता था। संत तुकाराम नहा के निकलते अपने घर आने के लिए, गली में वो ऊपर छत पे खड़ा रहता, वो थूक देता उनके ऊपर, वो फिर नहा कर आते, फिर नहा कर आते, फिर आता, फिर थूक देता। दिन भर यही चलता रहा। अंत में थूकने वाले का थूक सूख गया, खत्म हो गया। संत तुकाराम नाराज नहीं हुए, प्रतिशोध नहीं किया, और वो आ गया, थक गया, पराजित हो गया। शाम सूर्य अस्त हो गया, तुकाराम लौट के आए अपने घर की ओर, हाथ जोड़कर चरणों में गिर पड़ा। कहा, अरे तुकाराम, तुम कितने दयालु हो, कितने महान हो। मैं जितनी बार थूकता हूं उतनी बार तुम नहा के आते हो, फिर आते हो, फिर आते हो, कितनी बार नहा के आए। अरे इस दुनिया में बेटा बाप के ऊपर थूक दे तो बाप मार डालेगा उसे, बाप बेटे के ऊपर थूक दे तो सारी मर्यादा बेटा भूल जाएगा, बेटा बाप को मार डालेगा, और मैं तो तुम्हारा कुछ भी नहीं लगता। मैंने इतनी बार थूक कर तुम्हारा अपमान किया, पर तुम बार बार उसे धोखे आ जाते, फिर आ जाते। तो संत तुकाराम कहते, अरे भैया, मैं तुम्हें क्यों ईर्ष्या करूं, क्यों द्वेष करूं, मैं तो तुम्हारे थूक की वजह से, मेरे तो चंद्रावली गंगा मैया ने मुझे बार बार स्नान करवाने का अवसर दिया, भगवान की प्राप्ति हुई, गंगा मैया की प्राप्ति हुई। अगर तुम नहीं थूकते तो मुझे आज मैया का दर्शन एक ही बार होता, पर तुम्हारे थूक में इतना तप था कि मुझे पूरे दिन 108 बार गंगा मैया का दर्शन हो गया, इसलिए मैं तुमसे कैसे प्रतिशोध करूं। ये संत की महिमा है, संत इसीलिए तो पूजे जाते हैं। तुकाराम नहीं है पर गाथा गाई जा रही है, उनकी जय जयकार की जा रही है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। संत तुकाराम ऐसे बड़े हो गए कि पूरी नहीं होती कोई गाथा तुकाराम जी के बगैर। विहतो दर्शनम पुण्यः पुण्यम गते प्रवृत्ति। नारद जी का पुण्य प्रकट हो गया। नारद जी ने कहा, देखो मैं किसी के घर, किसी की चौखट पर या किसी के सेवा लेने में परहेज नहीं करता, पर अभी मैंने व्रत लिया है, संकल्प लिया है, जब तक मेरा संकल्प सिद्ध नहीं हो जाता तब तक मैं किसी के घर नहीं आऊंगा, आश्रम नहीं आऊंगा, जल पान भोजन नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे ऊपर पितरों का ऋण है, मेरे पिता ब्रह्मा बीमार हैं, और मैं उन्हें वचन दे के आया हूं कि मैं अभी तुम्हारा इलाज लेके आता हूं, पर मैं नहीं गया, मुझे 8 दिन हो गए, और ये दूसरा वचन मैंने भक्ति माता को दे दिया है, अब मैं उनके वचन को भी पूरा नहीं कर पा रहा हूं। और संत का वचन अगर झूठा होता है तो संत को कोई जीने का अधिकार नहीं। संत वही है जो अपनी जान पर खेलकर समर्पित होकर भक्त की रक्षा करे, राष्ट्र की रक्षा करे, ग्रंथ की रक्षा करे, धर्म की रक्षा करे, भक्ति की रक्षा करे, वही तो संत है, वही तो महंत है। समर्पितम गतेन अंतम, जिसके जीवन का, जिसकी सोच का कभी अंत नहीं होता है, जो हमेशा समर्पित रहता है भगवान को, वही संत। अंत जिसकी तृष्णा, जिसकी इच्छा का हो गया अंत, वही बन गया संत। जिसकी तृष्णा मर जाती है, जिसकी इच्छाएं मर जाती हैं, वो उसी दिन संत हो जाता है।